आभूरोड में उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ ने किया विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार द्वारा रेलों में निजीकरण, निगमीकरण व 100 दिन के एक्शन प्लान के विरोध में NFIR के आह्वान पर देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शन की कड़ी में उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ आभूरोड की स्थानीय शाखाओं ने दिनांक 13 जुलाई की शाम 7:30 बजे रेलवे स्टेशन पर रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में उपस्थित उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं ने रेल में निजीकरण व निगमीकरण के सरकार के फरमान के खिलाफ गगनभेदी नारे लगाए। राणकपुर एक्सप्रेस पर निकाली गई रैली में कर्मचारियों ने तत्काल मजदूर विरोधी आदेश वापस लेने की मांग की। बाद में सभा को संबोधित करते हुए शाखा सचिव सुधीर जोशी ने बताया कि सरकार निगमीकरण की आड़ में रेल को निजी हाथों में बेचने का प्रयास कर रही है। पूंजीवादी केंद्र सरकार बड़े उद्योगपतियों को सरकारी उपक्रम बेचना चाहती है। कर्मचारियों को एकजुट रहकर विरोध करना होगा। प्रदर्शन